हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई इज हेयर। और शक्तिमान बोले तो बचपन का फेवरेट सुपर हीरो, राइट? पर क्या आपको पता है, तमराज किलवेश को हराने वाला शक्तिमान कर्जे से ऐसा हारा कि उसे अपना शो ही बंद करना पड़ा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, एक सीरियल तो बस इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसकी एक्टर जरूरत से ज्यादा जल्दी बड़ी हो रही थी जी। और ये सीरियल था बेस्ट ऑफ लक निक्की। बोले तो निक्की की उम्र बड़ी और शो की घट गई, पर उस पर विस्तार में चर्चा से पहले ये जान लो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस सीरियल से ऑडियंस को इतना प्यार था कि सीरियल में हीरो की मौत देखकर लोगों ने मोर्चे उठा दिए थे। कहीं उसी मोर्चे की वजह से तो ये सीरियल बंद नहीं हुआ? वेल, जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, शक्तिमान। हेलो, सुनो एक राज बताऊं, वो शक्तिमान जो 25 किलो का कॉस्ट्यूम पहनता था क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में लगा हुआ था कॉस्ट्यूम का पर्सनल कूलिंग सिस्टम, पर शक्तिमान के कंधों पर धरी कर्जे की पोटली का कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए तो सीरियल बंद हो गया। देखो, शक्तिमान सीरियल को शुरू करने के लिए प्रोड्यूसर मुकेश जी ने अपने दोस्त जतिन जानी से 8 लाख का कर्ज लिया था, और जब दोस्त का कर्जा उतारा तो उन्हें शो को जिंदा रखने के लिए किसी और से 75 लाख का कर्जा लेना पड़ा। आप कर्जा तो कर्जा सही, पर पैसे की जुगाड़ के बाद उनका शो टीआरपी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। और यहीं से शुरू हुई शक्तिमान के अंत की कहानी, जो पहले सैटरडे मॉर्निंग और ट्यूसडे रात को टेलीकास्ट होता था और जिसके उन्हें 3,80,000 भरने होते थे। उस शो को संडे को प्रसारित करने के दूरदर्शन ने मुकेश जी से 7,80,000 लेने शुरू किए, और जब इससे भी उसका पेट नहीं भरा तो बस 104 एपिसोड के बाद चैनल ने 1.5 गुना फीस फिर बढ़ा दी। ऐसे में गंगाधर एक तरफ कर्जा चुकाए या चैनल की बढ़ती फीस का भार उठाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। पर हदों की सरहद तब पार हो गई जब चैनल ने सीधा टेलीकास्टिंग की फीस को बढ़ाकर 16 लाख की मांग करना शुरू कर दिया। और इसी से परेशान होके मुकेश जी ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कई कुछ ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे लॉस होने लगा, तो मैंने शक्तिमान को निकाल दिया। यानी जब शो से पैसे आ नहीं रहे तो शो को टाटा बाय बाय कर देना ही सही है। नंबर टू, ससुराल सिमर का। सिर्फ आपकी मम्मी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, यहाँ तक के यूके जैसे देश की मम्मियाँ भी ससुराल सिमर का देखना पसंद करती हैं। तभी तो इन सारे देशों में ससुराल सिमर का डब्ड करके दिखाया जाता है। 25 अप्रैल 2011 से 2 मार्च 2018 तक कलर्स टीवी पे दिखाया जाने वाला ये शो पूरे 2063 एपिसोड तक चला था। लोग इस सीरियल को देखना इतना पसंद करते थे कि इस सीरियल ने सबसे ज्यादा देखे गए सीरियल का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था। पर ऑडियंस के प्यार को सीरियल बनाने वाले संभाल नहीं पाए, उनका प्यार मिलता रहे, टीआरपी की उड़ान कम ना हो, इसलिए उन्होंने काफी खींची हुई सीरियल को और खींचने के लिए उसमें सुपर नेचुरल ट्विस्ट लाने शुरू कर दिए। हद तो तब हुई जब सिमर खुद मक्खी बन गई। जिससे इस सीरियल को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, सीरियल एक मीम बनने लगा और तब जाकर मेकर्स ने शो बंद किया। और रही बात मेरे सवाल की, क्या दीपिका की दूसरी शादी करने और अपने धर्म को बदलने की वजह से ये सीरियल बंद हुआ था, तो इसका जवाब भी आपको मिल चुका होगा। नंबर थ्री, कहानी घर घर की। कहानी घर घर की सीरियल की हीरोइन साक्षी तंवर अपने शो के लिए इतनी डेडिकेटेड थी कि 8 साल तक चले शो के बीच वो कभी किसी फंक्शन में नहीं गई और अपना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने काम को डेडिकेट कर दिया। 16 अक्टूबर 2000 को चालू हुआ ये सीरियल 9 अक्टूबर 2008 तक चला। इसकी पॉपुलैरिटी के दौरान ही 2002 में जगोरी नाम के स्त्री संगठन ने इस सीरियल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके पीछे की वजह थी सीरियल में दिखाया गया एक सीन जिसमें एक लड़के ने एक अंधी लड़की के साथ रेप किया और उसने अपने इस करतूत को ये कहकर टाल दिया कि वो तो बस उस लड़की को सबक सिखा रहा था। आप बताओ, जिस शो को लाखों लोग देखते हैं वहाँ इस तरह का सीन दिखाया जाए तो समाज पर क्या असर होगा। नंबर फोर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। असली टीवी सीरियल फैंस अपने मन पसंदीदा करेक्टर के लिए डायरेक्टर का कॉलर पकड़ सकते हैं। 2001 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लीड मेहर वीरानी को शो में मार डालने के बाद ऑडियंस ऐसी भावुक हुई कि उन्होंने धरने से लेकर मोर्चे निकाल डाले। और ये तो होना ही था क्योंकि लोग इस सीरियल से 8 साल से जुड़े थे। सीरियल में हो रही सास बहू की खट्टी मीठी नोक झोंक लोगों को अपने परिवार की याद दिलाती थी। इसी का फायदा उठाकर मेकर्स ने इस शो के कई स्पिन ऑफ भी लाए, जैसे कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की और कुटुंब।
खैर हर रात का सवेरा होता है और नए सीरियल के आने से जब लोग इस सीरियल को भूलने लगे तो मेकर्स ने 6 नवंबर 2008 को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट करके अपनी ऑडियंस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जहां एक करेक्टर की मौत पर लोगों ने मोर्चे उठाए थे तो दूसरे की मौत पर लोगों के कान खड़े हो गए थे। फैक्ट भाई का मतलब है कि जब इस शो में अंश नामक करेक्टर की मौत हुई तो उसकी नकली मौत का खर्चा 5 लाख था। इतने में तो दर्जन भर लोगों की सुपारी निकल जाएगी। नंबर 5, बालिका वधू। सबसे ज्यादा समय तक चलने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने वाले सीरियल बालिका वधू कई लोगों का पसंदीदा सीरियल था। इस सीरियल ने अपने नाम पे एक और रिकॉर्ड बनाया था, जो इसलिए था कि एक ही समय में सीरियल में एंट्री करने वाले और शो छोड़कर जाने वाले किरदारों की संख्या सब सीरियल से ज्यादा थी। एक सोशल इशू को दुनिया के सामने लाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए चलने वाला ये सीरियल 21 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था, जिसके 2248 एपिसोड टेलीविजन पर दिखाए गए थे। सबसे ज्यादा चलने वाला ये सीरियल भी बहुत ज्यादा खिंच जाने की वजह से 31 जुलाई 2016 को खत्म कर दिया गया था। पर कुछ टाइम बाद शायद सीरियल बनाने वाले इस बात को भूल गए, तभी तो उन्होंने इसका पार्ट 2 लाया। हालांकि शायद उनकी अकल जल्दी ठिकाने भी आ गई, क्योंकि जहां पहला सीजन 2000 से ज्यादा एपिसोड का था, वहीं पर पार्ट 2 के सिर्फ 84 एपिसोड ही दिखाए गए। नंबर 6, उड़ान। क्या आपने हाल ही में आई फिल्म RRR में छोटी आलिया का किरदार निभाने वाली बच्ची को पहचाना? वो और कोई नहीं, वो थी अपनी चकोर उड़ान की लीड चाइल्ड एक्टर स्पंदन चतुर्वेदी। 18 अगस्त 2014 को आया ये सीरियल खुद बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, जो पहले इस शो को एक फिल्म का रूप देने वाले थे, पर फिर उन्होंने इसे एक सीरियल का रूप देना ज्यादा बेहतर समझा, ताकि हर कोई इसे देख सके और घर घर तक बंधुआ मजदूरों की कहानी पहुंचे। क्योंकि इस सीरियल की स्टोरी बंधुआ मजदूरी के जीवन पर आधारित थी और चकोर तो ऐसी बच्ची थी जो पैदा होने से पहले ही बेच दी गई थी। इंडियन ऑडियंस के बीच ये शो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। हालांकि कुछ टाइम बीतने के बाद इस शो पर भी काले बादल मंडराने लगे थे। चकोर की उड़ान देखने आए लोग उसकी कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ देखकर शो से दूर होने लगे थे, और इस सीरियल के बंद होने की सबसे बड़ी वजह असल में ये हुई थी कि शो के करेक्टर को मेकर्स उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहे थे। मजबूरन उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा और शो को फरवरी 2016 में कलर्स चैनल। नंबर 7, बेस्ट ऑफ लक ने की। मैं अगर आपको बोलूं कि एक्टर्स की उम्र बढ़ने की वजह से कोई सीरियल बंद ही कर दिया तो सुनने में अजीब लगेगा ना, पर यह हुआ था डिज्नी इंडिया के सीरियल बेस्ट ऑफ लक निकी के साथ, जो कि अमेरिकन डिज्नी के एक गुड लक चार्ली का अडेप्टेशन था। फिल बेकर और ड्रू बर्मन ने इस सीरियल को कुछ इस एम से बनाया था कि सिर्फ बच्चे या टीन्स नहीं पर पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर पाए। लेकिन इस सिंपल से प्लॉट की नैया तब डूबी जब डिज्नी ने देखा कि ऑडियंस शो नहीं कार्टून देख रही है, और दूसरी तरफ जिस निकी को शो में छोटी बच्ची बने रहना था वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तो बस उन्होंने अपने पैसे बचाने की खातिर शो पर ताला लगा डाला, और बस 2 सीजन के बाद 16 अप्रैल 2016 में ये सीरियल खत्म हो गया, जबकि गुड लक चार्ली के 4 सीजन थे। नंबर 8, शरारत। स्ट्रिंग रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग बोल के जादू करने वाली बेटी माँ और नानी की कहानी तो सबको याद होगी। स्टार प्लस पे आने वाला ये सीरियल शरारत, थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत। जिया जो कि इस सीरियल की मेन हीरोइन थी, उसके 18th बर्थडे से ही ये सीरियल शुरू हुआ था, जो आगे जाकर जिया की शादी पर खत्म हुआ था। लेकिन 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 जितना मजेदार ये शो था, उसके हिसाब से फैक्ट भाई को ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि इस शो का आइडिया ओरिजिनल ही नहीं है। इसे एक अमेरिकन सीरीज सबरीना द टीनेज विच से इंस्पायर होकर बनाया गया था। फिर भी रोज के सास बहू के ड्रामे से हटके ये काफी लोगों का मनपसंद सीरियल था, पर अफसोस इसकी जो स्टोरी लिखी गई थी उसके खत्म होने के बाद इसे आगे कंटिन्यू ना करके उसे बंद कर दिया गया। तो अब फैक्ट भाई जानना चाहता है कि ऐसी और कौन सी सीरियल्स थे जिसके बंद होने से आपको दुख हुआ और आज भी आप उसे वापस याद करते हो। फैक्ट भाई को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना देरी के मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ऐसे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।